नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। किसान आंदोलन लगातार जारी था, इसी बीच किसानों ने जमकर उत्पात मचाया, या फिर ये कहें कि प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। और इसी बीच ये खबर सामने आती है कि पंजाबी अभिनेता और गायक दीप सिंधु का यहाँ पर नाम सामने आया है। खबर ये है कि इन्होंने किसानों को भड़काया है। बीते दिन यानी कि 25 जनवरी की रात सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर जाकर इन्होंने किसानों से बातचीत की है, और ये पूरा प्लान यहाँ पर इन्होंने किया है कि कल यानी कि 26 जनवरी को किस तरीके से उपद्रव मचाना है, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और किस तरीके से लाल किला पर जाकर झंडा फहराना है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे पंजाबी अभिनेता और गायक दीप सिंधु का नाम सामने आ रहा है। ऐसे ही किसान नेताओं ने दीप सिंधु पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। इसके बाद दीप सिंधु ने फेसबुक पर आकर कहा कि हमने प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया, लेकिन भारतीय झंडे को नहीं हटाया गया। दीप सिंधु का नाम भाजपा सांसद सनी देओल के साथ भी जोड़ा जाता है। हालांकि हिंसा में दीप सिंधु का नाम आने के बाद सनी देओल ने ट्वीट कर इस मामले को खुद से अलग कर लिया है। वहीं भाकियू के राकेश टकैत ने कहा है कि दीप सिंधु सिख नहीं है, वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं। पीएम के साथ उनकी एक तस्वीर है। ये किसानों का आंदोलन है और ऐसे ही रहेगा। कुछ लोगों को तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं वो कभी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे। उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप सिंधु है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सनी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। हाँ बिल्कुल चिन्हित करा, यहाँ पे वे लोग भी हैं कि जिनको आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने सामने से हमारे कहने के बावजूद सामने से बैरिकेटिंग तोड़े, उन लोगों को आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा और वे कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे की रणनीति धरना बादस्तूर जारी रहेगा। यही हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी और MSP पे कानून बने और सरकार बात करे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।